Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. Oh,
मैं द्वारका के पिंक अपार्टमेंट में, जहाँ पे गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, गणेश जी के यहाँ पे जो विनायक गणेश जी उत्सव है उसके द्वारा यहाँ पे गणेश उत्सव मनाया जाता है और यहाँ पे महिला मंडली है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नलिनी बेहरा। नलिनी बेहरा जी, जैसे हम देख रहे हैं आप यहाँ पे, जो मैं देख रहा था भजन भी बड़े अच्छे गा रहे हो। हाँ जी हाँ जी। उत्सव जो चल रहा है, जो गंगा जी ने एक इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे कराया हुआ है, तो क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया, पहली बार इन्होंने हमको मौका दिया और बार बार फोन करते रहे, तो हम इंतजार करते रहे फोन को, कब इनका बुलावा आएगा, हम आएंगे। और इधर आके इतना आनंद आ रहा है, सारे भक्त इतना प्रसन्न होकर गा रहे, साथ दे रहे, ताली बजा रहे, मंजीरा कोई ढोलक बजा रहे, आनंद ही आनंद आ गया। बोलिए गणपति भगवान की जय। क्या नाम आपका? पुष्पा जी। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर लग रहा है, आज देख के बड़ा मन खुश हुआ। और कृष्ण जी के जो भजन हुए उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, हम लोग तो ऐसे खो जाते हैं उनमें कि हमें कुछ पता ही नहीं होता कि हम कहाँ हैं। जी आंटी, क्या नाम? मेरा नाम रंजना विनायक जी। क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे इस प्रकार के उत्सव हमेशा होते रहें और हम सब मिल करके इसी प्रकार आनंद लेते रहें और प्रभु की कृपा हमेशा सब पर इस प्रकार बनी रहे कि हम सब आते रहें। जय 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 गणेश। मेरा नाम पूजा मिश्रा है, मैं MP सागर से आई हुई हूँ। मैं स्पेशली ये गणेश महोत्सव के ही लिए आई हुई हूँ। और मेरे सागर में, मध्य प्रदेश में, तो घर घर में गणपति जी रखे जाते हैं, सारे लोग बहुत अच्छे से गणपति उत्सव मनाते हैं MP में। लेकिन दिल्ली आके मैं यहाँ की सोसाइटी में गणपति उत्सव मना रही हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं MP में हूँ। ये यहाँ के लोग, सारे लोग मिल के इतना इन्जॉय कर रहे हैं, सारा सपोर्ट कर रहे हैं। और मौसी को थैंक्स करना चाहती हूँ कि सबको इतना अच्छा मौका दिया, सबको सपोर्ट किया, सबने उनका सपोर्ट किया और सबको एक लेके मौसी ने ये उत्सव किया। आई एम रियली वेरी हैप्पी। क्या नाम है? कीर्ति दुबे नाम है मेरा, मैं दमोह से आई हुई हूँ। मैं अपनी बहन के घर आई हूँ गणेश उत्सव में। यहाँ आके तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पूरा कॉलोनी, पूरा परिवार है और इतने अच्छे से सब लोग महोत्सव मना रहे हैं, गणेश जी का पूजन कर रहे हैं, गा रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही परिवार की मैं उम्मीद करके नहीं आई थी, जैसा मुझे मिला और बहुत अच्छा लगा। हमारे MP में तो बहुत गणेश जी का माना जाता है, वहाँ हम लोग बहुत अच्छे से, हम लोग भी बहुत अच्छे से उत्सव मनाते हैं और बिल्कुल वैसा ही याद आ रही है दिल्ली आके। हाँ बिल्कुल, MP की याद आ रही है, मुझे भी अपने घर के गणेश जी की याद आ रही है और मुझे बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जैसा मैं अपने घर में मनाती हूँ। बिल्कुल वैसा ही परिवार यहाँ आके मिला और बिल्कुल वैसे ही गणपति जी मिले। और मैं अपनी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उसने दिल्ली जैसे शहर में इतनी एकता, इतना प्रेम बना के रखा है, उससे बहुत लोग जुड़े हैं। ऐसे ही सभी को उससे लेना चाहिए शिक्षा कि ऐसे ही रहना चाहिए जैसे कि मोना कश्यप है। मैं विमल यादव, मैं मोना से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। हम लोग सब महिला मंडल मिलकर ये कार्यक्रम करते हैं और मोना बहुत इसमें एफर्ट लगाती है और पूरा हमारा जनक, पूरा पिंक अपार्टमेंट सबको साथ में लेकर आती है और सहयोग करती है, यही मैं कहना चाहती हूँ। धन्यवाद जी। क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता है और मोना जी पर जो है गणेश जी की असीम कृपा है, इनकी वजह से सब लोग इकट्ठे होते हैं। और आज तो बिल्कुल दो मंडली आई हुई हैं तो बस पूछो मत, आज तो इतना बढ़िया हो रखा है, सोने पे सुहागे वाले काम है। तो बस इनकी कृपा से ही सब कुछ होता है, इनके ऊपर बहुत कृपा है गणेश जी की कि सबको जोड़कर और इतना अच्छा आयोजन करते हैं ये लोग। तो मनीषा है मेरा नाम और गणपति बप्पा मोरया, बहुत अच्छे से प्रोग्राम होता है, हर साल होता है, गणपति बप्पा की ये कृपा है। और दूसरी बात ये कि लड्डू पहले 21 किलो का चढ़ाया था, आज किसी ने 10 का चढ़ाया, 31 किलो का भी है, कोई 11 किलो के भी चढ़ा रहे हैं। तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है, एकता का संदेश देती है, भारतीय संस्कृति जो चारों तरफ फैली हुई है। अब त्यौहार शुरू हो जाएंगे, गणपति जी का है, फिर दही देवताओं का हो जाएगा, अपने देवी देवताओं का, फिर नौ दुर्गे शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआत तो हो चुकी है, तो बहुत ही अच्छा, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ, उसके बावजूद भी सारे इकट्ठे होते हैं। कीर्तन में नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ आके लगती है गर्मी, लेकिन सारे ऐसा हो जाता ना, सब भूल जाते हैं, बिल्कुल 3-4 घंटे पता नहीं चलता गणपति बप्पा मोरया। मेरा नाम सुनीता देव है और मैं गणेश जी जब इतने छोटे थे, जब मोना जी LIG में स्थापना किया था, तब से मैं जानती हूँ। अब तो गणेश जी हमारे इतने बड़े हो गए हैं और इनके
इनके ही द्वारा मतलब हम लोग भी गणेश जी के उत्सव में मतलब आते हैं और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हैं और बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग करते हैं सभी। मोना जी आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार के गणेश उत्सव में मेन गणेश पुराण के अनुसार हम लोगों ने कनेर के गणेश जी बनाए, हल्दी के गणपति बनाए, गोबर के गणपति बनाए और पिसे चावल के गणपति बनाए, दूर्बा के गणपति बनाए। तो जैसे जैसे गणेश पुराण के अनुसार जो चलती गई उसके अनुसार हमने गणेश उत्सव अच्छे से सेलिब्रेट हुए हैं। कल आखिरी दिन है, 1000 दिए जलाए जाएंगे, परसों हवन और भंडारा, बस अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ हमारा तो यही मानना। एकता का सूचक है गणपति जी, तो एकता बनी रहे सब में, द्वेष और सब भावनाएं खत्म हो। बहुत विघ्न के बाद भी गणेश जी, बहुत विघ्न आए, विघ्न के बाद भी गणेश जी मतलब, लेकिन तब भी वो बैठ के माने, विघ्न करता गया। ये भी दीदी हैं, ये मोना मेरी छोटी बहन है और हम लोग एमपी से आए हैं और मैं तो ये समझती थी पता नहीं वहाँ कैसा लगेगा। हमारे एमपी में बहुत अच्छे से उनका उत्सव मनाया जाता है, मगर यहाँ मुझे आके बहुत अच्छा लगा कि मेरी बहन ने भी इतना अच्छा उत्सव किया, मुझे उम्मीद नहीं थी। बहुत बहुत गणपति बप्पा हो या, मंगल मूर्ति हो या, गणपति बप्पा Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.